जिला हमीरपुर में पुलिस विभाग द्वारा विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए गए 65 सीसीटीवी कैमरों के कारण वर्ष 2019 में जहां अपराध गृहभेदन के मामलों में कमी दर्ज की गई है, तो वहीं साल 2018 के मुकाबले इस बार सड़क दुर्घटना के 19 कम मामले पंजीकृत हुए हैं। हमीरपुर में वर्ष 2019 के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि पुलिस विभाग ने भोरंजपुर महिला पुलिस थानों को छोड़कर बाकी सभी थानों में 4-4 सीसीटीवी कैमरों को लगाया गया है। पिछले एक वर्ष में हमने हमीरपुर जिले में टोटल 65 नए सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं, जिनमें से ज़्यादातर जो है रोड्स की के ऊपर लगे हैं, और हमारे 4 पुलिस थानों में भी, अलग अलग पुलिस थानों में भी ये कैमरे लगे हैं। पांच पांच कैमरे हर पुलिस थाने में लगे हैं। इससे डायरेक्ट असर जो है हमारी बेसिक लॉ एंड ऑर्डर और उसके ऊपर डायरेक्ट असर पड़ा है। थेफ्ट केसेस जैसे अगर देखा जाए तो उसमें हमारा 50% रिडक्शन है। पिछले वर्ष 31 केसेस जो है हमीरपुर ज़िले में रजिस्टर हुए थे, इस वर्ष 15 केसेस रजिस्टर हुए हैं, और हमारे रिकवरी भी इस बार इम्प्रूव हुई है। ऑलमोस्ट 86% जो भी चोरी शुदा बाइक्स या गाड़ियाँ या इस तरह की चीज़ें थी उनको हम रिकवर कर पाए हैं। इसी तरह बर्गलरी में भी हमारे केसेस में रजिस्टर आई, बर्गलरी यानी गृहभेदन का जो मामले आए हैं उसमें भी थोड़ी रिडक्शन आई है। हमारा फ्यूचर में भी यही टारगेट रहेगा कि हम सीसीटीवी कैमरास को और बढ़ाएं। हमने जो जागरूकता अभियान जनता के बीच में जाकर करने की कोशिश की उसके भी बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। कई जो हमारे प्राइवेट लोग हैं उन्होंने सीसीटीवी कैमरास अपने होटलों में, अपने रेस्टोरेंट्स में, अपने दुकानों में और घरों में लगाए हैं, और उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट जो है आपके सामने है, और हमारा चोरी थेफ्ट और इस तरह की एक्टिविटीज में काफी हद तक रिडक्शन आई है। कार्यक्रम में वक्त तो चला है, छोटे से ब्रेक का ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।